ओए मुशी चल मेरे को जरा जामिया तक छोड़ दे अपनी बाइक पे, तेरे अंकल से मिलने जाना है आज। बाबा जी मेरी तो क्लास है यार, मैं लेट हो जाऊंगा देखो, इसलिए तो पढ़ाई कर रहा हूँ, आप चले आओ। अबे अबे मेरे काम के वक्त ही हर वक्त तेरी क्लास होती है। अरे नहीं नहीं बाबा सही में क्लास है, मैं लेट हो जाऊंगा, आप चले जाओ ना। अरे उससे मेट्रो से चले जाओ ना, वहाँ पे मेट्रो भी चलने लग गई है जामिया तक। नई मेट्रो चली है मजेंटा, घंटा मजेंटा, उससे नहीं जाऊंगा मैं। ड्राइवरलेस मेट्रो मतलब ड्राइवर ही नहीं है, गाड़ी कैसे चलेगी, वो तो कहीं भी ले जाके बांट देगी मेरे को। अरे नहीं पापा नहीं, ये ट्रेन्स बिल्कुल सेफ होती हैं, ये इंडिया में अब चली हैं, काफ़ी देशों में बहुत पहले से चली आ रही हैं, बिल्कुल सेफ होती हैं। और ड्राइवरलेस का मतलब ये नहीं है कि ट्रेन अपने आप चल रही है, ऐसी ट्रेन्स को कंट्रोल रूम से एक जगह से बैठ के इंसान ही कंट्रोल करते हैं, इसको चलाते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेन अपने आप चल रही है, बिल्कुल सेफ है, आप आराम से जाओ। अच्छा जी। दोस्तों आने जाने के लिए जो एक रेलवे नेटवर्क किसी भी देश का होता है, वो उस देश का ज्यादातर सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होता है। दोस्तों अगर हमको ज्यादा से ज्यादा ट्रेन सर्विसेज अपनी इस बढ़ती पॉपुलेशन को देनी है, पॉपुलेशन का ख्याल रख के उनको सफिशिएंट ट्रेन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो इसका तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका तो ये है कि आप अपने रेलवे नेटवर्क को और बड़ा करो ज्यादा लोगों के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पटरियां बिछाओ, ज्यादा से ज्यादा जगहों को एक दूसरे से पटरियों के जरिए जोड़ो, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेन यूज कर पाए। अब ये जो तरीका है ये इतना फीजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है लेकिन जमीन थोड़ी ना बढ़ रही है, जमीन तो दुनिया में उतनी है, तो आप कितने ट्रैक्स बिछा लोगे? और सबसे बड़ी बात, ट्रैक्स बिछाना भी इतना आसान काम नहीं है, सालों हो जाता है पटरियां बनाने में, शहरों को पटरियों के जरिए एक दूसरे से जोड़ने में, तो ये एक लॉन्ग टर्म काम है। दूसरा तरीका है जो कि ये कहता है कि जहां जहां फीजिबल हो वहां पर आप ट्रैक बनाते रहो, रेलवे नेटवर्क को बड़ा करते रहो, लेकिन उससे ज्यादा जो भी आपका मौजूदा ट्रैक सिस्टम है, मौजूदा पटरियां हैं, मौजूदा रेलवे नेटवर्क है, आप उसको ऑप्टिमाइज करो, यानी कि उसी नेटवर्क पे उन्हीं पटरियों पे आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेन्स चलाओ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेन सर्विसेज यूज कर पाए। ये जो तरीका है ये सुनने में अच्छा लगता है, कारगर लगता है, लेकिन इसमें भी एक रिस्क है, और रिस्क आप सब समझते हैं कि भाई एक ही पटरी पे जब हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाएंगे तो उसका रिस्क बढ़ेगा, कभी ट्रेनों में टक्कर ना हो जाए। सेफ्टी इज पैरामाउंट, सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो एक नई टेक्नोलॉजी आजकल जोरों पर है जो कि डेवलप कंट्रीज में ऑलरेडी यूज हो रही है, धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज भारत जैसे देश इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका नाम है CBTC, यानी कि कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल। ये कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल CBTC का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो है एग्जिस्टिंग ट्रेन नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करना, एक ही पटरी पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाना, यानी कि जो दो ट्रेन के बीच में जो दूरी होती है, जो हेडवे गैप होता है, उसको मिनिमाइज करना। दोस्तों CBTC तो नई टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे इसका यूज बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह डेवलपिंग कंट्रीज में जो एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रेन कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो चलता है फिक्स्ड ब्लॉक्स पे। अब ये फिक्स्ड ब्लॉक वाला सिस्टम कैसे चलता है, इसमें एक पटरी को, मान लीजिए पटरी जितनी भी लंबी, मान लीजिए 200 किलोमीटर की एक पटरी है, तो उस पूरी की पूरी पटरी को, उस पूरे के पूरे ट्रैक को फिक्स ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है, एक पटरी को कई ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ब्लॉक हो सकता है फिर 1000-2000 फीट का भी, तो कई ब्लॉक्स में पटरी डिवाइड हो गई। अब ये देखा जाता है कि एक ट्रेन जो कि चल रही है या फिर खड़ी है उसने कितने ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, उसी हिसाब से तय दूरी बनाई जाती है, दूसरी ट्रेन जो कि फॉलोइंग ट्रेन है उस ट्रेन से पीछे एक सेफ दूरी बनाई जाती है कि भाई इतने ब्लॉक्स इस ट्रेन को दूर रहना है, दूरी पर चलना है उस ट्रेन से जो कि कुछ ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई करके चल रही है। अब इसके लिए जो सेफ दूरी बनाई जाती है, कम्युनिकेशन उस ट्रेन में, फॉलोइंग ट्रेन में पहुंचाया जाता है कि भैया ये ट्रेन इस पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड ब्लॉक्स पर है, आपको इतने ब्लॉक्स की दूरी बनाए रखनी है, इस दूरी को बनाए रखने के लिए आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए और इतनी डिस्टेंस पर आकर आपको ब्रेक्स लगाने हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉलोइंग ट्रेन तक पहुंचती है और उससे उस फॉलोइंग ट्रेन तक पहुंचती है। तो इस तरीके से ट्रेन्स कंट्रोल होती हैं। अब बात करते हैं CBTC की। CBTC का पूरा सिस्टम जो मैंने बताया कि दो ट्रेन्स के बीच में जो दूरी होती है जिसको कि हम हेडवे भी कह सकते हैं, CBTC का पूरा सिस्टम इस हेडवे को मिनिमाइज करना, कम से कम करने के ऊपर चलता है। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो होता है फिक्स्ड ब्लॉक, CBTC में काम लाए जाते हैं मूविंग ब्लॉक्स, यानी कि इसमें फिक्स्ड ब्लॉक्स नहीं, मूविंग ब्लॉक्स, ट्रेन के चलने के साथ साथ ही हम अपने ब्लॉक्स को मूव कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आसानी से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है उस ट्रेन तक जो कि फॉलोइंग ट्रेन है,
रियल टाइम में हर सेकंड में मूविंग ब्लॉक ब्लॉक की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, यानी कि आप अपने डिस्टेंस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और जब भी स्पीड कम करनी होगी, जब भी ब्रेक्स लगाने होंगे, क्या स्पीड किस वक्त मेंटेन रहनी चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम फॉलोइंग ट्रेन तक पहुंचती रहती है। ये पॉसिबल कुछ इस तरीके से होता है कि पूरे के पूरे ट्रेन ट्रैक पर कम्युनिकेशन सेंसर्स लगाए जाते हैं, चिप्स लगाई जाती हैं, जो कि थोड़ी थोड़ी तय दूरी पर होती हैं, जैसे कि 100 फीट की दूरी पर होगा, 50 फीट की दूरी पर होगा। पूरे के पूरे ट्रैक पर ये कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने पड़ते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं ट्रेन से, ट्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि भैया ये अभी इस ब्लॉक पर है, और लगातार वो ब्लॉक्स मूव करते रहते हैं, सॉफ्टवेयर में ये ब्लॉक्स मूव करते रहते हैं, जिससे उस ट्रेन की एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशन पहुंचती है कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर से कम्युनिकेट करती है फॉलोइंग ट्रेन, और फिर उससे फॉलोइंग ट्रेन में। इससे फायदा ये होता है कि रियल टाइम में हम हेडवे डिस्टेंस को मिनिमाइज कर पाते हैं, नतीजा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन एक ही ट्रैक पर, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन एक ही ट्रैक पर चलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन सर्विसेज को यूज कर पाते हैं। दोस्तों सीबीटीसी के तहत जो ये सारी कम्युनिकेशन पहुंचाई जाती है फॉलोइंग ट्रेन तक, ये सब कंट्रोल होती है एक कंट्रोल सेंटर से, यानी कि कंट्रोल सेंटर में बैठ के कुछ पर्सनल, कुछ एम्प्लॉइज कंट्रोल कर सकते हैं पूरी की पूरी ट्रेन को। अब इसके जरिए ये पॉसिबल हो जाता है कि भाई उस ट्रेन को हम ड्राइवर्स के बिना भी चला सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, हम ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं दो ट्रेनों के बीच में दूरी, ताकि कभी एक्सीडेंटली उनमें टक्कर ना हो जाए। और इसीलिए ये पॉसिबल हो जाता है कि उन ट्रेन्स को हम बिना ड्राइवर्स के, यानी ड्राइवरलेस ट्रेन चला सकें। तो ड्राइवरलेस ट्रेन्स भी इसीलिए पॉपुलर हैं। ये जो मजेंटा लाइन अभी दिल्ली में शुरू हुई है, जो कि बोटानिकल गार्डन नोएडा से चलती है और फिर दिल्ली तक जाती है, ये ड्राइवरलेस ट्रेन है और ये सीबीटीसी के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मैं इस तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूं। मुलाकात होगी आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।